किसान आंदोलन के चलते केंद्र सरकार किसान नेताओं से अब तक चार बार वार्ता कर चुकी है। जहां पहली तीन बैठकों में कोई हल नहीं निकला, तो वहीं चौथी बैठक में सरकार ने और चार फसलों के लिए एमएसपी देने की बात कही है। कौन सी है ये फसलें और सरकार किन किन शर्तों पर एमएसपी देने वाली है, ये बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच रविवार शाम को चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत एक सकारात्मक माहौल में हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा और विस्तृत चर्चा हुई। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब हजारों प्रदर्शनकारी किसान पंजाब हरियाणा सीमा बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। केंद्र की तरफ से तीन केंद्रीय मंत्री, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, किसानों संघ बैठक में शामिल हुए। केंद्र सरकार की ओर से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्का और कपास भी फसल में जो है यहां पर एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया है। लेकिन इसके लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड और भारतीय कपास निगम से 5 साल का करार करना होगा। पंजाब और हरियाणा में घटते भूजल स्तर को बचाने के लिए फसलों का डाइवर्सिफिकेशन जारी है और जरूर है। इसके मद्देनजर सरकार ने आगे बढ़कर यह प्रस्ताव दिया है और ज्यादातर किसानों ने अनुमति और इस पर सहमति जो है वो व्यक्त की है। और किसान नेताओं ने कहा है कि वो अगले 2 दिनों के अंदर ही अपने मंच पर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उसके बाद भविष्य की योजना तय करेंगे। केंद्र के प्रस्ताव पर किसान नेता सरवन सिंह पझेर ने कहा कि हम 19 से 20 फरवरी को अपने मंचों पर चर्चा करेंगे और इस बारे में विशेषज्ञों की राय लेंगे और उसके अनुसार हम इस पर निर्णय लेंगे। पझेर ने कहा कि कर्ज माफी और अन्य मांगों पर चर्चा लंबित है और हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में इनका समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली चलो मार्च फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन 21 फरवरी को सुबह 11 बजे फिर से शुरू हो जाएगा। इस बीच बैठक में मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि फसलों का डाइवर्सिफिकेशन बेहद जरूरी है, बशर्ते सरकार ऑल्टरनेटिव फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे। इसके बाद अन्य फसलों को भी इसके अंतर्गत लाया जा सकता है। हम केंद्र के इस प्रस्ताव पर किसान संगठनों के जवाब का इंतजार करेंगे। इससे पहले इन वार्ताओं में किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए केंद्र अध्यादेश लेकर आए, वह इससे पहले और कभी भी इस पर बातचीत जो है वो करने को नहीं मानेगा। करीब 2 घंटे देर से शुरू हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खड्डिया भी यहां पर शामिल हुए। अब सरकार इस पर आगे क्या अध्यादेश लेकर आती है और किसान इस पर क्या सहमत होते हैं या नहीं, ये अब तो अगली वाली बैठक में ही पता लग पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक।